आ गए हैं हमारे यहाँ पे रामपुरिया हवेली है जो कि काफी पुरानी है। यहाँ पे इसी की सेम टू सेम कॉपी हम लोग के बाहर में फॉरेन में भी बनाई गई है। सो कुछ ऐसे दिखती है ये हवेली। यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं अपनी प्री वेडिंग शूट्स करवाने के लिए या घूमने के लिए। सो दिस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द प्लेस। बीकानेर में है ये लोकेटेड। काफी एस्थेटिक प्लेस है, काफी सुंदर है। ये 90 साल की, ये 85 साल की, ये 100 साल की, 100 साल पुरानी है। हाँ, 100 साल पुरानी वो लाली है, जकी है 150 साल पुरानी। ये रास्ते से बाहर है नहीं, जकी 150 पुरानी। और देखना चाहता हो तो न्यास जाना। ओके। होटल में। और अंदर जाना मना है यहाँ पे? यहाँ पर छू ये लामी मना है। 6 की 6 हवेली है यहाँ पे और 4 के 4 में ही मना है अंदर जाना। है प्राइवेट है, मतलब कुछ कोई भी अंदर नहीं जाता। कोई नहीं, मालिक खुद ही आता है, वो कलकत्ते रहता है, वो ही आगे। आप यहाँ पे निगरानी रखती है? आप तो निगे रखते हैं। ओके। क्या है जो पुराने शेर थे ना, ये राजा जी से भी ज्यादा धनवान थे। जो बीकानेर के महाराजा थे ना, उनसे भी ज्यादा धनवान थे। इतने बड़े इनके बिजनेस थे और इनको रामपुरिया राय बहादुर रामपुरिया की इनको उपाधि दी हुई है। जैसे ओसवाल बाणी है ये, बाकी ये सब क्या है कि बहुत ज्यादा जैन ओसवाल हो गए, जैन बाणी है। और इनको क्या है कि राजा जी ने उपाधि दी थी राय बहादुर रामपुरिया की। और बीकानेर में राजा जी के घर में जो भी अगर इनको बर्तनों की और की आवश्यकता होती थी, सोने चांदी की, गेस्ट की और की, तो सब यहीं से उनके पास जाता था। मतलब राजाओं से भी ज्यादा पैसे हैं इनके पास में। ये जो रामपुरिया लोग थे, रामपुरिया लोग हैं। ओके। लगभग सारी की सारी 100-150 ये 50 साल पुरानी ऐसी हवेलियां है। काफी सुंदर है, अंदर जाना बस मन। ये जगह काफी बड़ी है, मतलब गली गली के अंदर में ये सारी हवेलियां हैं। भवन निवास और ये भवन निवास, शायद इसके अंदर जाना हो सो लेट्स गो। इसके बारे में लिखा गया है, सिचुएटेड इनसाइड द वॉल सिटी ऑफ बीकानेर, इट्स एन हेरिटेज होटल। सुनील कुमार जी रामपुरिया प्रोजेक्ट मालिक है, ये खुद आर्टिस्ट है, उन्होंने खुद ने हैंड वर्क किया। बाकी जो है सारा गोल्ड वर्क का काम है, बीकानेर के लोकल आर्टिस्ट उस्ता का किया हुआ है। जो पीला देख रहे हो सारा गोल्ड वर्क का काम, ये सब कुछ गोल्ड का काम है, सोने का। सोने का। ओके। ये सब कुछ सोने का है, स्टोन में ये। ओके। सोने का काम। ये ब्लू ट्रायंगल ये सारी सोने की पेंटिंग की हुई है, बीकानेर के कारीगर उस्ता उनका किया। पीकॉक्स है, वुड का चेस है, फॉर्म बेंजिन का ग्लास है, कैमल वुड का है, सारा यहीं बना। कारपेट बीकानेर जेल का है, मोजे सारा रहे हैं, चांदी के हैं ये सारे, चांदी के हैं। चांदी के ये लाइट फिटिंग है, ओरिजिनल 1927 का। इसमें सारों में सारी डिजाइन अलग अलग है, कृष्ण भगवान का है। डिटेलिंग काफी सही की गई है यहाँ पे, कृष्ण जी राधा जी का पेंटिंग किया गया और ये सब कुछ हमारे यहाँ के जो राजा थे उन्होंने किया है। लकड़ी की बनी हुई हाथी दांत का काम है, शिव का काम है। ये मैरिज पार्टी की पेंटिंग, ये हुक्का है पुराने जमाने का। लास्ट जो है सारा बेल्जियम का है, बेल्जियम में टाइल, सारा इटालियन, सारा इटालियन टाइल है। सुनील जी की वाइफ है, इनका नाम अंजू रामपुरिया, ये सुनील जी के खुद की बनाई हुई हैंड वर्क, उन्होंने खुद बनाई है ये। ये ड्राइंग रूम है, ये सारा हैंड पेंटिंग किया हुआ है। हाँ। ये जर्मनी के मोशन, ये जर्मनी के, जर्मनी के मोशन है। ओके। ये सारे जर्मनी से है। और ये गजनेर पैलेस है, पैलेस होटल गजनेर पैलेस। ओके। ये सारी पेंटिंग उन्होंने बनाई, नहीं नहीं ये दूसरे की बनाई है, दूसरे हैंड है, हैंड पेंटिंग, सारी हैंड पेंटिंग। इसको अपने आंगन बोलते हैं, घर का, ये घर का आंगन है। ये इनके पूरे परिवार के नाम लिखे हैं, बहादुर मल, जसकरण, सीतकरण, बंगला, रामपुर। ये
अच्छा, वहाँ पे जो डिटेलिंग है वो उसमें इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों साइड में लिखे हैं। ओके, दोनों कॉलेज इनकी है। यहाँ पे इनकी कॉलेज भी है, दो ठो है, कॉलेज भी है। और मैं खुद रामपुरिया कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, कॉमर्स की, साइंस की, दाऊदी रोड पे कॉलेज है इनकी। बेल्जियम ग्लास है, बेल्जियम ग्लास सर, बेल्जियम ग्लास। ये रूम से ये सारा हैंड पेंटिंग किया हुआ है बीकानेर के लोकल आर्टिस्ट उस्ता का। और ये लैंप जो है यही के बने हुए हैं, यही के बने हुए हैं। ये पुरानी पेंटिंग है, ये पुरानी पेंटिंग है, हैंडवर्क है, हैंडवर्क है ये। बाकी जो है सारा हैंडवर्क का काम किया हुआ है बीकानेर के लोकल आर्टिस्ट उस्ता का। रूम सारे डिफरेंट है, ये बेडरूम है, ये बेडरूम, ये लकड़ी का बना हुआ है एंड इस पे जो भी कारीगरी की गई है वो यहाँ के लोगों ने ही की है। ये है बेडरूम का सीन कुछ। अभी 8 rooms है, अभी 8 rooms है, पहले 25 थे, कोविड के कारण उन्होंने कम कर दिए, 8 room स्टार्ट है। ओके, सो सारे के सारे रूम जितने भी है सब कोई डिफरेंट है, सेम कुछ भी नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे रहने का क्या है बंदोबस्त? रहने का इनका रूम रेंट है, रूम रेंट। यहाँ पे जो भी आके रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस क्या है यहाँ पे रहने की? 9000 स्टार्टिंग है इंक्लूडिंग टैक्सेस, 9500 प्लस टैक्स, प्लस टैक्सेस। तो वो स्टार्टिंग प्राइस है मिनिमम, वो वेरी कितने तक कर सकती है जी, कितने तक जा सकती है प्राइस मैक्सिमम? ये आपको 14,000 तक जा सकते। और फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी इसमें? ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है एंड बाकी जो रूम सर्विसेज है वो खाना एक्सक्लूडिंग है, वो बाहर आपको खाना पड़ेगा हॉल में, वो अलग से पैसे लगेगा। अच्छा, ओनली फॉर ब्रेकफास्ट एंड बाकी ऐसे लोकली कोई यहाँ पे रचना में खाना आते हैं वहाँ बाहर में जो हॉल है उधर अपना रेस्टोरेंट भी बना है, चौक में भी ले सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी ले सकते हैं। ओके, ज्यादातर हमारे फॉरनर ही रहते हैं यहाँ, मैक्सिमम टूरिस्ट ही आते हैं, जैसे बाहर से घूमने आते हैं ना उनके लिए ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है, ठीक है, लोकल उनके लिए, उनके लिए ज्यादा होगा। पीको, हिरन, लायन सब छोटे गिलहरी। अच्छा, काफी सही है ये तो, यहाँ पे डिटेलिंग की गई है और ये इटालियन मार्बल से बना है। ओके, ग्लास बेल्जियम का है, ये ग्लास गोल्ड वर्क का काम है। ये और एक बेडरूम है, लाइट फिटिंग ओरिजिनल है, ये भी पुरानी एंटीक पीस है, कट ग्लास है बेल्जियम की। ओके, ये क्या है? ढाल है जो पुराने जमाने में यूज होती थी, यूज होती थी, इसमें पेंटिंग किया है उस्ताद का काम है सर, ये उस्ताद है। इसमें कितनी अच्छी डिटेलिंग की गई है, गेंदे की, उसकी खाल की ये बनाई गई है। ओके, ये गजले प्लेस है और ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, ये बीकानेर के महाराजा, ये आखिरी राजा थे गंगा सिंह जी यहाँ के बीकानेर। गंगा सिंह जी के बाद उनके लड़के रहे, बाकी राजा में ज्यादातर यही रहे, नाम इन्हीं का है। ओके, सो अगर आपको भी यहाँ पे बुकिंग वगैरह करनी है या यहाँ पे आप स्टे करना चाहते हैं सो आप यहाँ के बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आई गेस सारे बुकिंग साइट्स पे। सो या दिस इज द प्लेस, काफी एस्थेटिक एंड काफी सुंदर है एंड यू आर गोइंग टू सी सो मेनी मिरर्स ओवर हियर, बहुत सारे मिरर्स है। ये सारा हैंड पेंटिंग किया हुआ है बीकानेर के लोकल आर्टिस्ट उस्ता का और हमारे जो ओनर हैं सुनील कुमार जी रामपुरिया, उनका भी काम किया हुआ है। ये जो फ्लावर है, हाँ, ये जो फ्लावर है सुनील जी के खुद के किए हुए, ये खुद बनाए गए उनके, ये भी सुनील जी का किया हुआ है। हाँ, और ये जो नीचे साइड वाला है ना, ये सारे सुनील जी के किए हैं, बाकी हमारे जो लोकल आर्टिस्ट है उस्ता उनका किया है। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से दिखा दिया सब कुछ एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर हियर, होपिंग टू कम अगेन हियर एंड विजिट हियर, सो थैंक यू सो मच। और इनका नाम है उज्ज्वल, इन्होंने ही पूरा का पूरा जितना भी टूर था, जितनी भी डिटेलिंग थी यहाँ की बताने की वो इन्होंने ही बताया है, सो थैंक यू सो मच अंकल। सो गाइज, इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस ओवर हियर, प्लीज कम एंड विजिट दिस प्लेस, यू विल रियली एंजॉय इट। थैंक यू।